सो हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का पांचवा लेसन देखने वाले हैं, वो भी काफी बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम जो क्लास 12 इंग्लिश का होने वाला है, पूरे 100 मार्क्स का पूरा नंबर दिलवाने की गारंटी मैं ले चुका हूँ। और फाइनली भले ही वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है, बट आप इसे घबराए नहीं। और हो सकता है कि आप कहीं से कुछ मान के चले कि बहुत सारे चैप्टर की तैयारी कर चुके हैं, बट इट डजंट मैटर टू डैट, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बट यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद जो आपके दिमाग में घुसेगा, परमानेंट घुसेगा और कभी नहीं निकलेगा। और जब तक आप एग्जाम में बढ़िया नंबर नहीं लेकर के आएंगे, तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। तो बिना देर किया हम लोग आज की क्लास 12 इंग्लिश का पांचवा लेसन। जी हाँ, ये पांचवा जो लेसन है ना, ये पांचवा लेसन बहुत ही अच्छा है। और ये जो समरी में पढ़ाने वाला हूँ ना, पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट करने वाला हूँ। सुनिएगा, पांचवा लेसन का नाम है आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा विचार जो मानव जाति को मदद किया। सोचिए कि कैसा विचार था जो मानव जाति को मदद किया। तो इस चैप्टर में जो बर्ट्रेंड रसेल ने जो आइडिया के बारे में, इंसानों की सोच और विचार के बारे में जो व्यक्त किया, उसी को हम लोग जो है ना, पूरा का पूरा चैप्टर का समरी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप जाते हैं ना, तो पूरी 5 नंबर का, कितना? 5 नंबर का। और 5 नंबर कम नहीं होता है, कोई 1 नंबर से भी फेल हो जाता है। तो सोचिए 5 नंबर का समरी पूछता है। और जो मैं समरी बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि आप किसी न किसी सोर्स के माध्यम से आप समरी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ से जो पढ़ करके जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ ना कि पूरा जो हमारे और आपके बीच में जो इंग्लिश बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है ना, बिल्कुल उसी भाषा में मैं इस समरी को लिखा हूँ। और कहा जाता है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, तो उस पर देखिएगा, ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा, लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। देखिएगा, आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड, विचार जो मानव जाति को मदद किया। ये पता है क्या है? ये एक ऐसे है, क्या है? ऐसे है, निबंध है। और पता है, यहाँ देखिएगा, अगर राइटर की बात करें, राइटर की, तो इसका राइटर कौन है? बर्ट्रेंड रसेल। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा दो ऑब्जेक्टिव यहीं पर क्लियर हो गया कि आइडियाज डेट हैव द मेन काइंड नामक जो चैप्टर है, ये ऐसे है कि स्पीच है, तो आप झट दे लगाएंगे कि ये एक ऐसे है, क्योंकि पहले से ही मैं लिख दिया हूँ और बता भी रहा हूँ कि ये एक ऐसे है, ये एक निबंध है। अच्छा, अगर इसके राइटर की बात पूछ दे कि आइडियाज डेट हैव द मेन काइंड के राइटर कौन है, तो फट दे लिखिएगा कि बर्ट्रेंड रसेल। अगर इनकी जन्म की बात कर दे तो 18 मई 1872 को हुआ था, और इनकी मृत्यु हो गई थी 2 फरवरी 1970, यानी कि 1970 को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मोटा मोटी जब आप ये इसका मैनिफेस्ट समझ गए, तो चलिए अब बिना देर के हम लोग क्या समझते हैं, इसके समरी, जो पूरे 100 से 120 वर्ड में लिखना होता है। और विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा 2 पेज जो है ना दबा के लिखते हैं। लेकिन आपको पता है, 2 पेज लिखिए, 4 पेज लिखिए, आपको मिलेगा पूरे 100 से 120 वर्ड लिखने का ही 5 नंबर मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए, ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 100 से 120 वर्ड में जब आप समरी लिख देते हैं ना, शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए कि चैप्टर आप पढ़ के गए, आइडियाज डेट हेल्प द मैन काइंड, मान के चलिए ऐसा विचार जो मानव जाति को मदद किया, पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ लिए और पूरा 4 पेज दिमाग में फिट कर लिए, और सोचिए 4 पेज जा करके लिख दिए। 4 पेज लिखने का मतलब कि कम से कम 1000 वर्ड आप लिख दिए, और 1000 वर्ड लिखने का क्या फ़ायदा, जबकि आपका टाइम वेस्ट हुआ और मिलेगा आपको 5 ही नंबर। तो मैं कहूँगा ना कि इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 100 से 120 वर्ड में ही लिखने का समरी देता है, और आपको 100 से 120 मतलब उससे ज़्यादा हो जाए, मैंने कम नहीं, लेकिन अब उतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि 1000 वर्ड में लिख दें। तो सुनिएगा ध्यान से, समरी हम लोग आप समझें। देखिए, आइडियाज डेट हैव द मेन काइंड, विचार जो मानव जाति को मदद किया, यह एक निबंध है। इसका राइटर है बर्ट्रेंड रसेल। 18 मई 1872 को इनकी जन्म हुई, 2 फरवरी 1970 को बेचारे, ठीक है ना, राम के प्यारे हो गए। तो अब आइए इनकी समरी की देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड, ये जो आइडियाज डेट हेल्प द मैनकाइंड, विचार जो मानव जाति को मदद किया, इज एन एसे, यह एक निबंध है। ये तो स्टार्टिंग इस तरह लिखना पड़ेगा, यह एक निबंध है। विच वॉज रिटेन, जो लिखा गया है, विच वॉज रिटेन बाई बर्ट्रेंड रसेल, किसके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रेंड रसेल के द्वारा लिखा गया। इन दिस एसे, इस निबंध में, रसेल सेज, अब आप चाहें तो थोड़ा सा वर्ड बढ़ाने के लिए पूरा बर्ट्रेंड रसेल लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बर्ट्रेंड रसेल सेज, यानी रसेल सेज, रसेल कहते हैं डैट कि एन आइडिया, एक विचार, डैट मै डैट मेड मैन काइंड सिविलाइज, जो मानव जाति को क्या किया, सभ्य बनाया। भाई कैसा विचार था जो मानव जाति को सभ्य बना दिया, संस्कार विहीन बनने के जगह पर संस्कारी बना दिया,
बेकार बनने से अच्छा बना दिया, वो कौन सा विचार है? तो सुनिए आगे देखिएगा, एन आइडिया डैट मेड मैनकाइंड सिविलाइज्ड, एक विचार जो मानव जाति को क्या किया, सभ्य बना दिया, एंड बेटर देन एनिमल, और देखो और ये क्या किया, एंड बेटर अच्छा बना दिया से देन, मैंने से और देन कभी भी कंपेरिजन वर्ड में। और सुनिए हाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा ना तो इसके साथ साथ मैं ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ग्रामर पूरा 60% समझिए तो ग्रामर का ही क्वेश्चन रह जाता है। अगर आप इसका 40% तैयारी करके जाते हैं और 60% हो तो 100% आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। यानी कि 60% का मान के चलिए कि 60% करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रामर का 60% ही तैयार कीजिए, 60 में 100% तैयारी कीजिए और 40 में इसका 100%, तब जाकर के पूरा 100 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो कहिएगा तो हम ग्रामर पढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, देन कंपेरिजन वर्ड है तो बेटर देन एनिमल, यानी कि एक ऐसा विचार जो इंसान को सभ्य बनाने के साथ साथ क्या किया, जानवरों से भी बेहतर बना दिया। Not only so, but इतना ही नहीं, man was found different from animals, इतना ही नहीं बल्कि मानव जो है ना, मानव ये पूरे के पूरे ठीक है ना जानवरों से अलग पाया गया। On the basis of his intellectual ability, उसके माने बौद्धिक विचार के साथ साथ एंड मोरल क्वालिटी और उसके नैतिकता के साथ साथ, समझ रहे हैं ना, यानी कि इंसानों को जानवरों से अलग पाया गया और इतना ही नहीं वो जानवरों से मतलब जानवरों का जो बुद्धि था, बौद्धिक विचार था और उसकी जो नैतिकता थी उससे भी काफ़ी अलग पाया गया, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, व्हेन फायर वॉज डिस्कवर्ड, जब पहली बार आग की खोज हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सुनिएगा, व्हेन फायर वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कितना आसान करके मैं लिख रहा हूँ, सोचिए इंग्लिश इतना आसान और इतना हलवा बना दे रहा है ना कि आपको पूरा का पूरा दिमाग में फिट हो जाने वाला है और आपको लगेगा कि ज्ञापन एकेडमी के जो चौखट से मैंने पढ़ाई किया है ना बिल्कुल दिमाग में फिट हो चुका है। सुनिएगा, देखिए लाइट कट गया इसके लिए आप लोग थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, बस बातों को समझिए। एज फॉर एग्जाम्पल, वेन फायर वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार क्या हुआ, आग की खोज हुई, ठीक है ना, प्रूव्ड ए माइल स्टोन, क्या हुआ मैंने एक समझिए तो मैंने मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर साबित होने का तात्पर्य यह है कि मैंने एक बहुत बड़ी महारत हासिल हो गई, ठीक है ना, फॉर आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के लिए। आगे देखिएगा, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, द थिंकिंग ऑफ ह्यूमंस, यानी इंसानों की सोच, मानव की सोच इंक्रीज्ड, बढ़ने लगा, एंड और विद द पैसेस ऑफ टाइम, समय बदलने के हिसाब से, यानी कि समय बीतते गया, ऑफ टाइम इसीलिए बोला जाता है विद द पैसेस ऑफ टाइम, माने समय बीतते ही, ठीक है ना, यानी समय के साथ साथ, समय के साथ साथ कहिए या समय बीतते ही या समय के साथ साथ, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, व्हेन लैंग्वेज एंड राइटिंग वेयर डिस्कवर्ड, और पता है देखिए आग की खोज के बाद जब लैंग्वेज और राइटिंग की खोज हो गई, ह्यूमन लाइफ बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट, पूरी तरीका से बदल गया, यानी जो ह्यूमन लाइफ था बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट, काफ़ी अलग हो गया फ्रॉम डैट वाइल्ड एनिमल्स, बोले तो जो जंगली जानवर थे ना उससे काफ़ी कुछ बदल गया इंसानों की जिंदगी। पीपुल्स थॉट, ठीक है ना, पीपुल्स थॉट स्टार्टेड चेंजिंग, लोगों की जो सोच थी वो भी बदलने लगा, देयर वे ऑफ लिविंग स्टार्टेड चेंजिंग, और उनकी रहन सहन भी बदलने लगे, ठीक है ना। आप सोचिए रहन सहन नहीं बदला रहता तो हम लोग भी क्या करते हैं, समझिए तो एक जंगली जानवर की तरह ही जिंदगी जीते, ठीक है ना। और ऐसा माना भी जाता है कि पहले इंसान और जानवर एक साथ रहते थे और उन लोगों में कुछ खास डिफरेंस नहीं था, ठीक है ना, लेकिन सोचिए लोगों की सोच बदलने लगेगी नहीं, क्योंकि देखिए लैंग्वेज और राइटिंग का भी आग के आविष्कार, पता है ये हमारे दुनिया में मानव जाति में जो एक ऐसा विचार जो सबसे पहली बार जब आग की आविष्कार हुई थी ना, तो सोचिए कि एक बहुत बड़ा मतलब इसी को कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी महारत हासिल करना मतलब माइलस्टोन साबित हो गया। और सोचिए कि आग के आविष्कार के बाद इंसान अब कच्चा मांस जो था या सब्जियां था जो कच्चा कच्चा खाता था वो अब खाना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे और लगा कि अब मुझे पकाकर ही कोई चीज़ खानी चाहिए। तो आग के आविष्कार के बाद काफ़ी कुछ बदल गया और बहुत मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, बहुत सारी चीज़ें आने लगी आग के आविष्कार के बाद, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ जो हमारे मानव जाति के बीच एक मतलब क्या बताएं, एक बहुत बड़ी पहल हुई। अब मैं जितना भी कहूँ वो शब्द कम पड़ सकता है, सोचिए आज आग के आविष्कार का ही देन है कि आज बहुत कुछ बदल चुका है। तो सोचिए, और साथ ही साथ जब लैंग्वेज और राइटिंग का भी आविष्कार हो गया ना, तो इंसान की
काफ़ी कुछ तस्वीर ही बदल दिया, ठीक है ना, जो काफ़ी कुछ हम लोग जानवरों से अलग हो गए और जानवर अलग रहने लगे और हम लोग अलग रहने लगे और हम लोग का स्टाइल, हम लोग का सोच, हम लोग का नज़रिया, हम लोग का संस्कार, हम लोग का आचार व्यवहार सब कुछ बदल गया, सोचिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, देयर वे ऑफ लिविंग स्टार्टेड चेंजिंग, यहाँ तक कि इंसानों की जो रहन सहन है वो भी बदल गया। नॉट ओनली सो बट, इतना ही नहीं, दिस आइडिया ऑफ मैन डिस्कवर्ड, यानी कि मानव का यह सोच खोज किया, ए न्यू सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता की, बाई विच, जिसके द्वारा वी ऑल ह्यूमंस लर्न टू लिव इन ए फैमिली, जिसके द्वारा हम सभी मानव जाति जितने भी इंसान हैं, ठीक है ना, फैमिली में रहना सीख गए कि फैमिली भी कुछ होता है जिसके मतलब बीच हम लोग को रहना चाहिए, बड़ों का बड़े की तरह आदर करना चाहिए, छोटों को छोटे की तरह आदर करना चाहिए, मैंने हम लोग हर चीज़ सीख गए, यानी कि लैंग्वेज और राइटिंग का आविष्कार के बाद हम शिक्षित हो गए, हम धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख गए और हम लोग संस्कारी बन गए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, हम लोग को फैमिली में रहना हम लोग सीखे, एज वेल एज साथ ही साथ दिस सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली, और साथ ही साथ यही सभ्यता हमको एक दूसरे के बीच फ्रेंडली रहना सिखा दिया, एंड टू इन्वॉल्व इन द पेन एंड प्लीजर, और साथ ही साथ एक दूसरे के बीच सुख दुख में शामिल होना भी सिखा दिया। तो चलिए बिना देर किया हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ को भी समझ लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा ना वो इस वीडियो का लास्ट पैराग्राफ होगा और ये समरी का लास्ट पैराग्राफ होगा। तो यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग इस समरी का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। समरी का लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, एट लास्ट अंत में द प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि अंत में पता है क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की भी खोज हो गई। द प्रिंटिंग प्रेस कंप्लीटली चेंज द फेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन, और पता है जब प्रिंटिंग प्रेस आया ना तो मानव जिंदगी का पूरा जोग्राफिया बदल दिया, पूरा होलिया बदल दिया, समझिए तो पूरा का पूरा तस्वीर बदल दिया। और पता है थ्रू इट, इसके जरिए इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स स्प्रेडिंग, और पता है जो मतलब क्या पता है जो इन्फॉर्मेशन था ना, इन्फॉर्मेशन बोले तो एक तरीके का समाचार, एक तरीके का सूचना, ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट स्प्रेडिंग, जो सूचना थी, जो समाचार थी, कहीं कहीं कौन सी क्या घटना हो रही है, काफ़ी कुछ तेज़ी से बदलने लगा, वेरी फास्ट, ये माने इन्फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट होने लगा। पीपल थिंकिंग बिगेन टू चेंज, और इंसान की जो सोच है ना, लोगों की जो सोच है ना, वो काफ़ी कुछ बदलने लगा, मोर रेपिडली, काफ़ी तेज़ी से सोच बदलने लगा। अच्छा ज़रा सोचिए कि पहले के लोग क्या थे ना, कि मतलब चिट्ठी जब लिखते थे ना तो मतलब उसमें अंत में एक बात लिखते थे, मतलब मेरे को मेरे क्या बताएं, जब पुराने लोगों से मैंने आज भी कभी कुछ मिलता हूँ तो हमारे जो जितने भी पूर्वज हैं उनसे मिलिएगा, कभी पूछिएगा कि जो काफ़ी कुछ पुराने हो गए हैं वो बोलते हैं कि पहले जब चिट्ठी लिखा जाता था ना तो उसमें लिखा जाता था अंत में एक बात, क्योंकि चिट्ठी भी तो बहुत दिन बाद पहुंचती थी, होता ये था कि मतलब 20 दिन 25 दिन लग जाता था, तो उसमें लिखा रहता था, मैंने एक ही पेज पहुंचने में काफ़ी देर लग जाता था, सोचिए कि कितना मतलब लेंदी प्रोसेस था। अब तो एक बटन में पूरा का पूरा मतलब ब्रह्मांड में पूरा का पूरा दुनिया में ये बात फैल जा रही है, ठीक है। तो सोचिए जब चिट्ठी पहुँचती थी ना तो उसमें एक बात लिखा रहता था कि कम लिखना और ज़्यादा समझना, ठीक है ना। तो ये बातें जो है ना इंसानों को बहुत टच करता था, यानी कम लिखना और ज़्यादा समझना, यानी वहाँ पर एक बात का कई मतलब समझना, और कुल मिला जुला करके सोचिए कि जो बातें जो अंत में लिखा जाता था ना, कि मैंने सब बातें तो लिखा गया कि मतलब घर में 500 रुपये की ज़रूरत है, और ज़्यादा फालतू बातें नहीं, मतलब घुमा फिरा करके नहीं, 500 रुपये की ज़रूरत है, बहन की शादी है, डायरेक्ट लिखा जाता था। अब सोचिए इस वक्त डायरेक्ट किसी को बोला जाए या 500 रुपये दीजिएगा, एक ये हो गया डायरेक्ट बोलना, एक हो गया कि सुनिए ना थोड़ा सा हमारे पास तो पैसा प्रॉपर रहता ही है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा अभी दिक्कत हो गया, तो आपके पास 500 रुपया हो सकता है, ये हो गया भावना के साथ कहना और घुमा फिरा कर कहना, एक हो गया 500 रुपया है दीजिएगा। तो चिट्ठी में इसी तरह लिखा जाता था, और अंत में ये बात लिखा जाता था कि कम लिखना और ज़्यादा समझना, यही काफ़ी है, ठीक है ना। तो सोचिए इंसानों की सोच काफ़ी कुछ बदलने लगा, माने प्रिंटिंग प्रेस जब आया ना तो इंसान की तस्वीर बदल दी, पूरा सभ्यता की तस्वीर बदल दी, और काफ़ी कुछ लोग तेज़ी से सोचने लग गए, एंड पीपल बिकम मोर क्लेवर, और इंसान जो है ना मनुष्य जो है ना काफ़ी कुछ माने आवश्यकता से अधिक चालाक हो गए। तो मैं एक बात बताऊँ, ये जो चैप्टर है ना आइडियाज डेट हेल्प द मैन काइंड, यानी विचार जो मानव जाति को पूरा बदल दिया, तो आपके अंदर भी ये विचार होनी चाहिए कि आपका विचार अगर बढ़िया है तो आपका भी मार्क्स बहुत बढ़िया आ सकता है, आपका भी कुछ देखिए आपका विचार, मान के चलिए जिस तरीके से अगर आप विचार रख रहे हैं उस तरीके से और भी बहुत सारे विद्यार्थी विचार रखते होंगे, लेकिन आपका विचार और औरों के विचार से काफ़ी कुछ अगर
माने कंपैरिजन कीजिएगा तो कुछ अंतर नजर आएगा। सोचिए कि कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं पास कर जाऊं और किसी विद्यार्थी का मतलब विचार ये होता है कि मैं पास नहीं मैं टॉप करूं। तो सोचिए अगर आपका भी विचार माने टॉप करने का है तो ज्ञापन एकेडमी के इस चौखट से जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का फायदा वो उठा सकें। और ये चैप्टर का यही होता है द एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।